बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब से लाइव हूँ जी आपके साथ। मैं आपको दे दूंगा आज की एक अपडेट। यार आपने ना मेरे से पहले वीडियो देख ली होगी इसके मुतल्लक, और मैं ये वीडियो आपके साथ शेयर नहीं कर सका वक्त फौरन। उसके मुतल्लक मैं ये बताऊंगा कि मैं कुछ ना कुछ इस चीज़ के इंतज़ार में था कि मुझे ना कुछ और मिल जाए इसी न्यूज़ से, तो वही आप भाई के साथ फिर डिटेल से शेयर करूँगा। तो अभी मैं ना, आप यकीन करें कि बारिश को लेकर यार परेशान तो नहीं हूँ, इंजॉय कर रहा था खूब बैठा हुआ। तो बारिश भी माशाल्लाह इस टाइम बहुत है जी यहाँ पर। तो अभी आप यकीन करें कि 5:15 का टाइम है और फुल अंधेरा हो गया है जी, और जैसा कि मगरब की अजान होने वाली है, हालांकि यहाँ पर मगरब की अजान 6:45 पर हो रही है। मुंतका जजान की बात कर रहा हूँ मैं, वैसे अगर दूसरी कंट्रीज की बात करें तो 7 या 7 से ऊपर भी जा रही है। तो बात कर लेते हैं जी आज की न्यूज के ऊपर फिर। तो सॉरी यार, न्यूज ये है जी कि आपको पता ही 1 अगस्त से सऊदी अरेबिया ने अपनी इंटरनेशनल फ्लाइट्स बहाल कर दी हैं। जी मेरे भाई, किन के लिए? भाई इकामा होल्डर अफराद के लिए नहीं है, जो आमल हजरात हैं उनके लिए नहीं है। आपको पता है 9 या 10 अगस्त से यानी कि उमरा जायरीन भी सऊदी अरेबिया में आ रखे हैं, और उनमें पाकिस्तानी भाई नहीं शामिल हैं या इंडियन भाई नहीं शामिल हैं। तो लेकिन ये जो टूरिज्म की फ्लैट्स बहाल की गई हैं, क्या इनमें शामिल हैं? जी बिल्कुल हैं। यहां पर मैं पहले ही ये बात क्लियर कर दूं, टूरिज्म अफराद, टूर वाले जो बनते हैं, सऊदी अरेबिया घूमना चाहते हैं, सैरो तफरी के लिए आना चाहते हैं, वो भाई किसी भी कंट्री से सऊदी अरेबिया में इंटर हो सकते हैं। जो शराइत वगैरह इसके मुतल्लिक रखी गई हैं वो थोड़ा आप भाई को डिटेल से बता देता हूं। और एक चीज मैं आपको यहां पर क्लियर करूंगा कि तवक्कलना के ऊपर भाई आप अपना स्टेटस कैसे अपडेट कर सकेंगे अगर आप टूरिज्म के तौर पर आते हैं, या बाद में इकामा होल्डर के तौर पर आएंगे, छुट्टी के गए हुए, छुट्टी आपकी बड़ी हुई आप आएंगे, या न्यू वीजा के तौर पर आएंगे, तो आपको तवक्कलना कैसे अपडेट करनी होगी। तो बात कर लेते हैं इन शराइत के मुतल्लिक, जो आपको भाई यहां पर सऊदी अरेबिया में आने के लिए टूरिज्म के तौर पर अगर आप रखे हैं तो आपको कौन सी लागू होंगी। और इंटरनेशनल फ्लाइट्स के मुतल्लिक मैं यहां पर भाई पहले ही क्लियर, यहां पर आपको पहले ही क्लियर करता चलूं कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स मेरे हिसाब से खुद के देखें भाई, अगर आप हिसाब लगाएं तो आपको स्टेप बाय स्टेप सब काम दिखाई दे रखे होंगे। अगर पिछले साल की बात करें, आपको पता है वैसे ही उमरा खुला था, बाद में भाई जो घर की खातमाएं हैं, सऊदी बेगमात हैं, सऊदियों की सऊदी जो आपको पता है उनके बच्चे वगैरह हैं, जो उनकी घर की खातमाएं, उनके घर के पर्सनल ड्राइवर हैं, वो उनके साथ सफर कर सकते थे। और इस टाइम भी यानी कि इस साल भी ऐसा हो रखा है, लेकिन इसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग की जा रही है। जैसा कि आपने देखा होगा जी, उमरा जायरीन खुल गए हैं, घर की खातमाएं इससे पहले आ चुकी हैं, अभी उमरा जायरीन भी आ सकेंगे, अभी टूरिज्म के लिए फ्लाइट्स दी गई है, और नेक्स्ट स्टेप भाई इंटरनेशनल फ्लाइट्स के मुतल्लिक होगा इंशाल्लाह। लेकिन उसमें कुछ शराइत जरूर रखी जाएंगी, शराइत से मुराद तो यही है जो मैं अभी आपको बताता हूं, यही शराइत उस पर उन आप पर भी लागू होंगी जब आप आएंगे। लेकिन उसमें भाई शराइत से मुराद यह है, कुछ कंपनी कुछ एज को लेकर या कुछ बंदों को लेकर ऐसे स्टेप बाय स्टेप काम किया जाएगा, एकदम से नहीं खोल दी जाएंगी। और इसके मुतल्लिक मैं यही सोच रहा हूं, ये एक सऊदी गवर्नमेंट अगर ऐसा करेगी तो ये बेस्ट रहेगा, रश लग जाएगा, आपको पता ही टिकट वाले फिर बहुत लूटते हैं बंदों को। तो बात कर लेते हैं जी आज की जो शराइत वगैरह हैं अगर आप टूरिज्म के तौर पर आना चाहते हैं, और इन शराइत के ऊपर भाई आप इन शराइत को सुन लें, ये बाद में भी आपको काम आएगी जब आप इकामा होल्डर हैं या आमल हैं या न्यू वीजा के तौर पर आ रखे हैं, आपके ऊपर भी शराइत लागू होंगी। आपको वैक्सीन की दोनों डोज लगी होनी चाहिए, ये तो आप सब भाई को बताई, और इसमें वो वैक्सीन होनी चाहिए, अभी तो यार चाइना की भी एक्सेप्ट कर ली गई है सऊदी अरब की तरफ से प्लस बूस्टर के साथ, ताकि आपको यहाँ पर भाई क्वारंटाइन वगैरह नहीं करना हो। तो अगर आपने एक डोज ली हुई है तो फिर भी आप आ सकेंगे, अगर आपने दोनों नहीं ली हुई है फिर भी आप आ सकेंगे, लेकिन होगा क्या, आपको यहाँ पर क्वारंटाइन वगैरह करना होगा। और ये मैं उन बंदों के लिए कह रहा हूँ जो इकामा होल्डर हैं, छुट्टी वाले बंदे हैं, जो न्यू वीजा होल्डर होंगे। लेकिन अभी मेरे तमाम तरह भाइयों ने गालबन जी डोज वगैरह तो कंप्लीट कर ली है। आगे पीसीआर टेस्ट के मुतल बात करें तो आपको पीसीआर टेस्ट आपको पता ही, आपको 72 घंटे पहले करवाना होगा, आपकी टिकट के साथ ही वो पेपर लग जाएगा, और एक सर्टिफिकेट आपका जो इस वैक्सीन के मुतलक होगा आपको नात्रा से मिल रहा है, आपको पता है ये तमाम भाइयों ने अभी तक ले भी लिया होगा, वो भी आपकी टिकट के साथ ही भाई लगा दिया जाएगा। इससे आगे मुकीम के ऊपर, मुकीम वेबसाइट है ये, आपको पता है आप अभी भाई गूगल के ऊपर सर्च मारे आपको उसी टाइम ओपन हो जाएगी। मुकीम के ऊपर जाकर आपको वो एक इजी स्टेप है, अगर आप पढ़े लिखे नहीं भी हैं तो फिर भी आप उसे पुट कर सकते हैं, यानी कि वहां पर आपने अपना नाम, पता, तारीख, पैदाइश वगैरह और इकामा वगैरह जो मुकम्मल डाटा आपने देना होता है पास, उसके अलावा कुछ भी नहीं है जी। तवक्कलना के मुतल्लिक बात कर लेते हैं जी, तवक्कलना के मुतल्लिक अगर बात करें तो भाई तवक्कलना अगर आप जैसे ही सऊदी अरेबिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर उतरेंगे पाकिस्तान में बैठे हुए नहीं उतरेंगे, उसी टाइम आप एयरपोर्ट की वाईफाई यूज करें, किसी बंदे से वाईफाई ले लें, या अगर आपके पास सिम है तो उसका नेट छोड़ लें, आपको कोई बंदा लेने आया उससे नेट ले लें,
त्वक्कल ना डाउनलोड करें, अपना ही कामा नंबर दें, अपना नाम दें, पासवर्ड वगैरह लगाएं, त्वक्कल ना आपकी बन गई, ठीक है। उसके ऊपर जो आपके पास नादरा का सर्टिफिकेट है पाकिस्तानी, वो भाई उसके थ्रू आप वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड में शामिल हैं। दुनिया के किसी भी कोने में आपका नाम वगैरह लिखकर सर्च मारी जाएगी तो वो डाटा शो जरूर होगा जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने दिया हुआ है। उसमें आपको मुकम्मल तौर पर आपकी शोमिंट होगी कि जिस बंदे ने दोनों वैक्सीन फलानी दोनों डोज लगवा ली है फलानी वैक्सीन की। तो त्वक्कल ना जैसे ही आप अपडेट करेंगे तो वहां पर आपका डाटा कन्फर्मली शो होगा कि इस बंदे ने भाई ये वैक्सीन की दोनों डोज कंप्लीट कर ली है पाकिस्तान से। और इसके अलावा त्वक्कल ना मैं आपको क्यों करूँ, बाद में आप सऊदी अरब में जैसा कि आपको पता है किसी मॉल वगैरह में जाते हैं, किसी शॉपिंग वगैरह में जाते हैं, अभी तो मकालों में भी जाए तो वो भी बोलते हैं त्वक्कल ना दिखाओ, यानी कि आप भाई किसी भी स्टोर वगैरह में, अलबेक में, ताजज में, हैपर पांडा, कारफोर, किसी भी मार्केट वगैरह में जाते हैं, वो त्वक्कल ना देख रहे हैं, आपको पता ही, इसलिए बोल रहा हूं मैं। तो टूरिज्म अफराद को त्वक्कल लाजम होगी, बाकी जो इकामा होल्डर हैं, छुट्टी वाले बंदे हैं, उनके पास तो त्वक्कल ना पहले से ही अपलोड है, लेकिन वो जैसे सऊदी अरबी में आएंगे तो उसे अपडेट कर लेंगे, वो बाई अपडेट करेंगे जैसे वो बिल्कुल ईजी चलेगी। तो ये एक लेटेस्ट अपडेट थी जी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। बाकी आप भाइयों के साथ मैं रात को ही एक वीडियो शेयर कर चुका हूँ जो 3 साल की पाबंदी के मुतल्लिक न्यूज सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रही है।